जी सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, क्या कहना चाहेंगे अब ये गलतियां ना होगी, इसका पहला सॉन्ग लॉन्च हो चुका है, किस प्रकार का ये सॉन्ग है और क्या लग रहा है दर्शकों को, कितना पसंद आएगा? सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। ये सॉन्ग एक रोमांटिक सॉन्ग है, मेरे हिंदी पिक्चर अब ये गलतियां ना हो रोमांटिक सॉन्ग है, मैं होया दीवाना तेरा। युवाओं के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए आजकल की सोच पे ये सॉन्ग बना है। तो जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी को देखते हुए सभी कुछ बंद है, तो इस दौरान आप कहां पर किस प्रकार से इस सॉन्ग को लॉन्च किए हैं और दर्शक कहां देख पाएंगे सॉन्ग को? अभी तो मैंने यूट्यूब पे किया है सोनोटेक के माध्यम से, अब भी डाला था तो देखे तो 6-7 हज़ार लाइक व्यूज चले गए उसको, घर बैठ के देखिए। गाने की शूटिंग कहाँ पर की गई है, क्या लोकेशन है इस सॉन्ग में? हरियाणा है, लगभग हरियाणा है। और आपकी को स्टार अगर बात करें एक्ट्रेस की, अभिनेत्री के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छे है, उनकी हिम्मत से अब तक मैं ये कर पाया हूँ, एटलीस्ट उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, बहुत हिम्मत दी, काफी अच्छा काम किया उन्होंने, जिसकी वजह से मैं पिक्चर कंप्लीट कर पाया। बस थोड़ा सा दुख की बात यह है कि वो आज साथ में नहीं है, लॉकडाउन की वजह से घर पे पुणे में फंसी हुई है, आज साथ होती तो वो भी खुश होती कि हमारा फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हो रहा है। कुछ है भी नहीं जी? ना। तो क्या इस मैं बोली। तो विनोद जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि इस मूवी का फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च हो गया है, मूवी अगर ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर कितना तैयार हो चुका है और कौन कौन से स्टार कास्ट है इस फिल्म में? स्टार कास्ट में देखिए, शाहबाज खान जी है, मुश्ताक खान जी है, हैरी जोस है, जावेद हैदर है, गौरी वानखेड़े हैं, स्टार कास्ट सभी अच्छे हैं मेरे सपोर्टर। सर सॉन्ग की बात की, कितने सॉन्ग है सर? टोटल 4 सॉन्ग है। ये सॉन्ग सबसे पहले लॉन्च किया गया है, तो क्या खास है ये सॉन्ग, क्या ये मूवी के लिए ज्यादा अहमियत रखता है ये सॉन्ग? हाँ, ये सॉन्ग इसलिए पहले किया है क्योंकि एक तो रोमांटिक सॉन्ग है, फिर दूसरा थोड़ा हरियाणा टच है, मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा में शूटिंग हुई है तो वहाँ के लोगों को पसंद आएगा। ये आपकी फर्स्ट मूवी है, अभी आप इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं या पहले भी आपने फिल्म में कुछ किया है काम? नहीं, मेरी पहली पिक्चर है ये। आपकी ये पहली मूवी थी, आप नर्वस थे या फिर आपको काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा इस फिल्म को लेकर? देखो, पहली बार अगर आदमी कोई भी काम करता है तो उसको काफ़ी कठिन समझ के ही काम करता है, फिर भी आप लोगों के हाथ में है, दर्शक के ऊपर है, उसको कैसा बताएंगे कैसा नहीं। अक्सर देखा जाता है जो फिल्म इंडस्ट्री से जिनकी फैमिली है वही स्टार कास्ट आगे आ पाते हैं, बाहर से जो एक नए होते हैं जो फैमिली से निकलकर एक गांव से आते हैं उनको इतना यहां पर नहीं मिल पाता है फेम। जिस तरह से अभी सुशांत जी का ही मैटर आप देखिए, सुशांत खान जिस तरह से सुसाइड के हैं जिसमें कई बड़े स्टार कास्ट का नाम भी आ रहा है, आप किस पर क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा कुछ नहीं होता है कि बड़े फैमिली से ही या बड़े स्टार कास्ट की फैमिली से ही हूँ, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सुशांत जी ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया था, भलाई बैक साइड से आया था, काफ़ी अच्छा नाम कमाया था, बट उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर कुछ उनके दिल में भी था तो लोगों को बताना चाहिए था, एटलीस्ट अपने फ्रेंड माँ बाप, सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ कि अपने माँ बाप, उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए, सुशांत जी ने उनको बता देना चाहिए था ताकि कोई रास्ता बंधे, जान देने से तो अब वो राज का राज ही रह गया। बॉलीवुड के कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है उनकी गलती थी, उनके मरने के पीछे उनका ही हाथ होगा? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका नाम और आपका परिचय जानना चाहूंगी। है, मेरा नाम राज है और मैं इनका आज सॉन्ग जो रिलीज हुआ है, इन्होंने मुझे बताया कि सॉन्ग रिलीज हो रहा है, चलिए। मैंने गाना सुना, गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, गाने के लिरिक्स, गाने की म्यूजिक और जो लोकेशन है बहुत ही अच्छे है। गाने में इन्होंने अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग शूट करके दिखाया हुआ है, जो रोमांटिक है, जो टीनेज का जो प्यार है, जो बोलते हैं ना पहला प्यार, वो इन्होंने दिखाया हुआ है। शायद आपको देख के भी आपका पहला प्यार याद आ जाएगा, उस तरह का एकदम रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है। राज जी, बैक टू बैक बहुत सारे गाने आते हैं, लव को लेकर बहुत से गाने आ चुके हैं, क्या कुछ इसमें अलग लगा आपको, क्या कुछ नया पहले, क्या लगता है हर किसी के जुबा पे ये गाना होगा? जी हाँ, आप सुनेंगे जैसे कि इन्होंने बताया, अभी तक
एक घंटे के अंदर 5,000 से 6,000 तक के व्यूज और लाइक आ चुके हैं, तो लोगों ने इन्हें पसंद किया है गाना, और हमें पब्लिक से वो उम्मीद है कि ये गाना पसंद करेंगे और लाइक्स करेंगे इसको। ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच। रोल जी, बात करें हम सॉन्ग की या फिल्म की बात करें, सबसे पहले किस तरह की फिल्म है, क्या है फिल्म के बारे में बताएंगे, फिल्म के टाइटल, अब ये गलतियां ना हो। फिल्म एक लव स्टोरी है, एक लड़का लड़के की लव स्टोरी है, ये सच कहानी है, सच्ची कहानी है, ट्रू स्टोरी ये कह सकते हैं, ट्रू स्टोरी कह सकते हैं इसको। कहाँ हरियाणा की है, जैसे कि आप भी हरियाणा के, तो वहाँ की स्टोरी है ये। हाँ, ये टू इन वन है, जिसमें हरियाणा से मुंबई आके लड़का कैसे रहता है, कैसे बनता है, मतलब इतना छोटे गांव से आके इतना स्ट्रगल करके कैसे आगे बढ़ता है, सब दिखाया गया है। अचानक उसको प्यार हो जाता है, प्यार के बाद उसके साथ में क्या क्या होता है वो सब दिखाया गया है। ट्रू स्टोरी ली गई। अच्छा, कौन डायरेक्टर है, क्या है और किस तरह? डायरेक्ट तो मैंने किया, डायरेक्शन तो मैंने किया इसको। अरे क्या बात है, डायरेक्शन मैंने खुद ने किया है, और हमारे प्रोड्यूसर है आकाश चंदालिया, मैंने उनको स्टोरी बताई तो उनको अच्छी लगी, अच्छे लगने के बाद बोले कि ये सब आपके साथ बीता है तो शायद आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, तो मैंने करने की कोशिश की है, दर्शकों के सामने पेश करने की कोशिश की, बाकी आप सब लोगों का प्यार इसको आगे बढ़ा सकता है। तो कितने गाने हैं फिल्म में और किस तरह का गाना है? गाने 4 है टोटल, जावेद अली ने गाया है, शबाब साबरी ने गाया है, संदीप जायसवाल, मुकेश वर्मा ने गाया, काफी अच्छे सिंगर, बड़े बड़े सिंगर। आज जो गाना लॉन्च हुआ है, उसको बताएंगे गाने, उस गाने के बारे में। हाँ, आज जो सॉन्ग हुआ है वो एक हरियाणा टच सॉन्ग है, क्योंकि एक रोमांटिक सॉन्ग है, युवाओं को लुभाते हुए, आजकल का जो चल रहा है युवाओं के दिल में जो सोच है उसको दिखाते हुए एक रोमांटिक सॉन्ग बनाया था हरियाणा के बेस पे, टॉपिक भी हरियाणा के ही है उसके, और बोल भी हरियाणी है गाने के। हाँ, बोल टोटल लगभग हरियाणवी है। इसके अलावा कितने गाने हैं फिल्म में और सभी किस्म के गाने हैं? हाँ, बाकी तीनों गाने हिंदी है, एक गाना हरियाणवी है। एक कवाली डाली है हमने, हमने उसके तौर पे एक कवाली भी डाली। शूटिंग कहाँ कहाँ हुई थी और क्या? शूटिंग ज्यादा से ज्यादा इसकी हरियाणा की गई है, हरियाणा का 2 बार का टूर रहा हमारा, फिर मुंबई रही है, मुंबई तो काफी सारे। तो क्या प्लान्स, क्या है, क्या चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, तो क्या प्लान किए हैं आपने आगे? देखो, पालन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की का निर्णय का पालन कर रहे हैं, और इसको भी लोगों के ऊपर जो आफत आई है उसको भी मद्देनजर रखते हुए उसका भी पालन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हर रोज दुआ करते हैं कि अभी चांस मिला है हमें आगे बढ़ने का, ये दुष्टा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ताकि के वापिस से लोग सड़कों पे आए, वापिस से लोग अपने मन से घूम सके बगैर डर के। आज घर से बाहर निकलते तो लोग डरते हैं, बस ये दुख संकट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा, ये गाना है, ये है, ये हो गया दीवाना तेरा, मैं हो गया दीवाना तेरा, ये गाना कहाँ देख सकते हैं, किस तरह से, कहाँ बताएं कुछ? अभी सोनीटेक यूट्यूब चैनल पे डाला है हमने, डाला 1 घंटे हो गए, तो लगभग उसके 8 से 10 हजार लाइक सब्सक्राइब लाइक व्यूज चले गए। क्या बात है। हाँ, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें, और वैसे भी लोग हमें जहाँ तक प्यार देंगे जरूर देंगे, हमने भी अच्छा किया है लोगों के लिए, लॉकडाउन में भी मैंने काफी सारी मदद की है लोगों के लिए जितना मुझसे हो सका। मैं तो हर इंसान से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर जरूरतमंद के पास पहुँचिए और उसकी मदद कीजिए।
अच्छा हमने देखा भी सर कि आपने का राशन वितरण किया कहीं जगह पे, कहीं कहीं जा जाके मैं देखा भी, हमने कुछ पैसे भी अपने लोगों के हेल्प के पैसे दे के भी हेल्प किए। हाँ सर, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि उस वक्त उन लोगों को जरूरत थी और जरूरतमंद लोगों को ही मैंने राशन पहुँचाया। पैसा मैंने पीएम फंड और हरियाणा सीएम फंड और महाराष्ट्र सीएम फंड को डोनेट किया ताकि के कुछ कुछ पैसे से आज वो जो भी कर रहे हैं थोड़ा कुछ हम करेंगे तो शायद थोड़ा थोड़ा करके ही जमा होता है ताकि के वो अच्छे से हमें फैसिलिटी दे पाए। मेरे पास था, मैंने जितना हो सका मैंने उतनी हेल्प की। अच्छा अब मैं आता हूँ आपकी एक्ट्रेस पर, जो गौरी जी है, गौरी बताएंगे उनके बारे में किस तरह की कैसा रहा बॉन्डिंग उनका? बस जो भी आज बदौलत है ये गौरी जी की है। एटलीस्ट मैं फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने हूँ, मैं हिम्मत नहीं होती थी, गौरी जी सामने खड़ी होती थी तो गौरी जी मुझे बताती थी विनोद जी हिम्मत रखिए, हिम्मत रखने के बाद ही आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट है मैं दिल से, और हमारी जोड़ी भी काफ़ी अच्छी है, सबको पसंद आई हमारी जोड़ी। तो सारे गाने में गौरी जी आपका ड्यूट है या फिर कुछ कोई? हाँ टोटल गाने में ड्यूट है। अच्छा हम आते हैं सुशांत पे आते, जैसा हमने आपने सुना ही होगा सुशांत सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे उनके बारे में, उन्होंने आत्महत्या की है, आपकी क्या राय है कि आप भी एक न्यू कमर है, आप भी आउटसाइडर है, आप भी इंडस्ट्री के नहीं है? देखो सर, तन्हाई और मुसीबत किसी ना किसी तौर पे हर इंसान के ऊपर, वो बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा हो, छोटे से छोटे पे छोटी है, बड़े से बड़े पे बड़ी है, बट कैसे तन्हाई का मतलब ये नहीं कि हम सुसाइड कर लें। सुसाइड के बाद लोगों के दिमाग में हर तरीके की खबरें पहुंचती है, लोगों को हर तरीके से गलत नज़र देखा जाता है। मैं इसके बारे में एटलीस्ट कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस ये है कि इंडस्ट्री ने एक हीरा को खो दिया है। हीरा कहते हैं, एक अच्छा अभिनेता था जो बहुत कम दिनों में अपना स्टेज बना चुका था, बहुत कम दिनों में अपना नाम कमा चुका था। उसने MS धोनी जैसी पिक्चर दी है जो पूरे वर्ल्ड में उनको सम्मान मिला था, बस कुछ मिस्टेक है। हाँ वो एक चीज़ गलत है उनकी, सुसाइड करने से अच्छा वो किसी को बताते, शायद उसका हल निकल जाता। उन्होंने वो राज दिल में ही लेके गए, आप कुछ नहीं कह सकते सर। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा हटके सवाल है, ये भी जो चाइना में बॉर्डर पे हमारा जो हुआ, जो 20 लोग शहीद हुए, हमारे सैनिक शहीद हुए, जवान शहीद हुए, उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? दुख की बात है कि हमारे 20 जवान वहाँ पे मर गए, हमारे शहीद हो चुके हैं। बहुत 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 बड़ी दुख की बात है जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। बट मेरा एक संदेश है चाइना को, आज का भारत कुछ अलग है, मोदी जी ने आदेश दिए हैं, बदला जरूर लेंगे, किसी न किसी जरिए से बदला जरूर लेंगे, और हमें उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री पे, देश को हिम्मत देंगे और देश का बदला जरूर लेंगे। अच्छा ये भी कह रहे लोग कि चाइना के जो प्रोडक्ट है उसको बायकॉट कर दिया जाए। बिल्कुल कर देना चाहिए, मैं तो मेरी पूरी फैमिली को बोलता हूँ कि हमें चाइना का तो कोई भी प्रोडक्ट यूज करना ही नहीं चाहिए। हमारे भारत देश में मजबूती तंदुरुस्ती वो सब यूज कीजिए ना, क्या नहीं है भारत में। पहली बात सर, मैं गलती निकालना चाहता हूँ उनकी, उन डिस्ट्रीब्यूटर की जो चाइना से खरीदते हैं। अब हमारे सामने सामान दिखेगा तो हमें तो खरीदना पड़ेगा, हमें वहां से स्पॉट इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अच्छा ये गाना सुना मैंने, गाने का वापस मैं एक बार ये गाना आप गुनगुनाएंगे तो बताएंगे किस तरह गाना है ये थोड़ा? तन बिन देखे लागे ना दिल मेरा, तन देख के उगता यो दिन मेरा, तेरी दीद का नशा मेरे तो होता जा रहा गहरा, मैं होया दीवाना तेरा, मैं होया दीवाना तेरा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।